हेलो दोस्तों, आज है 28 अप्रैल 2024 रविवार का दिन। हैप्पी संडे आप सभी को। हिंदी तिथि वैशाख कृष्ण चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, माता पिता के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण और भी बड़ी खबरें जानेंगे। बहुत ही मजा आने वाला है और काम की जानकारियां अपडेट आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हर साल 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए हर साल वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क दिवस मनाया जाता है। यानी नौकरी करने वाले हर व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही लंबा समय जहां पर वो काम करते हैं वहां पर गुजरता है, वर्क प्लेस हम इसे कहते हैं। कई वर्क प्लेस पर जोखिम वाले काम भी किए जाते हैं तो कुछ हेल्थ के लिए खतरनाक भी साबित होने वाले होते हैं, और ऐसे में वर्क प्लेस पर काम करने वालों की हेल्थ और सेफ्टी को सुनिश्चित किया जाना भी बहुत जरूरी है। और इसी लक्ष्य को पूरा करने और लोगों को इसके प्रति अवेयर करने के लिए हर साल 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस के रूप में हम वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क मनाते हैं। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क 2024 की थीम है जलवायु परिवर्तन और कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। करंट अफेयर्स में कभी कभी इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं। साथ ही आपको बता दें आज रविवार का दिन भी है और शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि के साथ साथ हर काम में सफलता भी हासिल होती है। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने से इंसान को आरोग्य जीवन का वरदान प्राप्त होता है, साथ ही मान सम्मान में वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन सूर्य देव की विधि पूर्वक पूजा करने से जीवन के दुख दूर होते हैं। सूर्य देव को रोजाना जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप हर रोज नहीं करते हैं तो कम से कम रविवार के दिन तो आप जरूर करें। साथ ही ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, मतपेटियां लूटने वालों को करारा जवाब मिला है। ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीएम मोदी ने यह बात कही है। पीएम मोदी ने ईवीएम वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर विपक्ष को घेरा। पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बैलेट पेपर का पुराना दौर वापस नहीं आएगा। दुनिया हमारे लोकतंत्र की और चुनाव प्रक्रिया की तारीफ कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अपने निजी स्वार्थ के लिए ईवीएम को बदनाम कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। पीएम मोदी एक चुनावी रैली में संबोधित कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल बोले, मैं रिहाई का हकदार। कहा कि शराब नीति केस में ईडी का बर्ताव क्रूर, फिजिकली मौजूद होने के लिए कहना क्या जरूरी था। मेरी याचिका को अनुमति मिलनी चाहिए और मैं रिहाई पाने का हकदार हूँ। दरअसल गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर ईडी की तरफ से दाखिल किए गए एफिडेविट पर केजरीवाल ने यह जवाब दाखिल किया। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के निर्देश पर गठित 5 सदस्यीय मेडिकल बोर्ड ने इंसुलिन की कम खुराक जारी रखने के लिए कहा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शनिवार को आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार शुरू किया। उन्होंने पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार के समर्थन में कोंडली इलाके में रोड शो भी किया। बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में फिर शुरू हो गया बैंकिंग क्राइसिस, एक और बैंक डूब रहा है। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें आ चुकी हैं। पिछले साल 5 बैंक डूबने के बाद इस साल किसी बैंक के संकट में आने और उसके डूबने की यह पहली घटना सामने आई है। दुनिया का सुपर पावर कहलाने वाले अमेरिका की हालत खराब हो रही है। अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम लगातार आईसीयू की ओर बढ़ रहा है। एक के बाद एक बैंक दिवालिया हो रहे हैं। बीते साल भी अमेरिका के 5 बैंक डूब गए। आपको मालूम होगा साल 2023 में अमेरिका के सिलिकॉन वैली, सिग्नेचर बैंक और फर्स्ट रिपब्लिक जैसे बैंकों को बंद करना पड़ा। वहीं अब साल 2024 में अमेरिका का रिपब्लिक फर्स्ट बैंक भी बंद हो गया। अमेरिका के बैंकिंग रेगुलेटर फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने रिपब्लिक फर्स्ट बैंक की संपत्तियां जब्त कर ली हैं। वहीं अमेरिका में नेब्रास्का और आयोवा में तूफान ने गजब का कहर बरपाया। ताश के पत्तों की तरह इमारतें ढह गई। अमेरिका के कई शहरों में भयंकर तूफान ने तबाही मचाई है। सैकड़ों घर भरभरा कर ढह गए। राष्ट्रीय मौसम विज्ञान ने अमेरिका में एक बार फिर से तूफान की चेतावनी जारी की है। तूफान की तबाही को देखकर लोगों के बीच दहशत का माहौल हो गया। मध्य पश्चिमी अमेरिका में भीषण तूफान ने जमकर कहर बरपाया। ये खतरा अभी कम नहीं हुआ। अमेरिका के विभिन्न इलाकों में ताकतवर तूफान आने की एक बार फिर से चेतावनी जारी हुई है। वहीं हमारे देश से इंडिया में उत्तराखंड के जंगलों में 4 दिन से आग लगी। 11 जिलों में 1780 एकड़ जंगल प्रभावित हो गया। आर्मी एरिया के करीब पहुंच चुकी है आग और सेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए। उत्तराखंड के भीमताल से सटे जंगलों में 4 दिन से लगी आग बेकाबू होती जा रही है। भाजपा ने मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को उतारा। मौजूदा सांसद महाजन का टिकट कट गया। कांग्रेस सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। खड़गे, सोनिया, वेणुगोपाल समेत पंजाब के नेता मौजूद रहे। अमेठी, रायबरेली सीटों को लेकर फिलहाल कोई ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की शनिवार 27 अप्रैल को दिल्ली में बैठक हुई है। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, कुछ दिन और रुकिएगा, हम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। अमित शाह का बड़ोदरा में रोड शो हुआ।
हुआ। पोरबंदर में कहा, कश्मीर में 5 सालों में किसी ने पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं की। माताओं और बहनों से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी तय करे, मिलिट्री नेवी और एयरफोर्स अकादमी में CDS के जरिए एडमिशन दे। हाईकोर्ट ने केंद्र को 8 हफ्ते में जवाब देने को कहा। ईरान में कैद 16 भारतीयों की रिहाई की उम्मीद बढ़ी है, अधिकारियों ने बात की है। इजरायली शिप पर हमला कर 17 भारतीय नागरिकों को ईरानी सेना ने कब्जे में ले लिया था, उनमें से एक को रिहा कर दिया गया। भारत ने अपने नागरिकों की सलामती और उन्हें शीघ्र मुक्त कराने के लिए राजनयिक प्रयास भी शुरू कर दिए और अब इनकी रिहाई की उम्मीद बढ़ गई है। ICICI बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 17.4% बढ़कर 10,708 करोड़ रुपए रहा। प्रति शेयर 10 रुपए का लाभांश भी बैंक की तरफ से दिया जाएगा। कंपनियां अपने शेयर धारकों को मुनाफे का कुछ हिस्सा देती है, उसे डिविडेंड कहा जाता है। और यस बैंक का चौथी तिमाही में शुद्ध मुनाफा 123% बढ़कर 451 करोड़। बैंक का शेयर एक साल में 65% चढ़ा है। RBL बैंक ने भी रिजल्ट घोषित कर दिया है। Q4 में 33% बैंक का नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। निजी क्षेत्र के ऋणदाता RBL बैंक ने भी आंकड़े जारी किए हैं। मारुति सुजुकी ने 3,878 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड प्रॉफिट हासिल किया। SUV की जोरदार डिमांड, मारुति सुजुकी का चौथी तिमाही में मुनाफा 48% बढ़ गया। शेयर धारकों को 125 रुपए लाभांश भी मिलेगा। HCL टेक को चौथी तिमाही में 3,986 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा, प्रति शेयर 18 रुपए का लाभांश कंपनी की तरफ से मिलेगा। कल शेयर मार्केट जब ओपन होगा, इन्हीं रिजल्ट के अनुसार मार्केट में हलचल देखने को मिलेगी, है ना। और क्रिप्टो करेंसी का भी क्रेज बढ़ता जा रहा। एक्सचेंज वजीरएक्स पर नए यूजर्स 6 महीने में दोगुना से ज्यादा बढ़ गए। जिस तरह से हमारे देश में शेयर मार्केट में लोग निवेश कर रहे हैं, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी में भी अब क्रेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। नए रजिस्ट्रेशन करने वालों की पिछले 6 महीने में वजीरएक्स पर संख्या 122% बढ़ गई है। जम्मू में रामबन गुल रोड पर गुरुवार यानी 26 अप्रैल की शाम से लैंडस्लाइड हो रहा है। करीब 1 किलोमीटर तक की जमीन धंसने के बाद रामबन से 6 किलोमीटर दूर पैरनोट गांव में करीब 30 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए। लैंडस्लाइड के बाद स्थानीय प्रशासन ने 55 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया, लेकिन इलाके में हो रही बारिश के कारण हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। और इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है, ऐसे में रामबन में लैंडस्लाइड की यह घटना यात्रा पर भी असर डाल सकती है, क्योंकि काफिला जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से उधमपुर पटनी टॉप से रामबन होते हुए अनंतनाग तक जाता है। ज्योति वेनम ने इतिहास रच दिया। वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाने वाली तीसरी महिला तीरंदाज बनी है। ज्योति वेनम ने आर्चरी वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। करंट अफेयर से जुड़ा सवाल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। भारत की स्टार तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेनम ने शनिवार को तीरंदाजी विश्व कप में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। सिंगापुर हांगकांग के बाद अमेरिका में MDH और एवरेस्ट की जांच, US फूड रेगुलेटर जानकारियां जुटा रहा है। मसालों में कैंसर वाले केमिकल मिलने का आरोप लगा है। क्या MDH मसालों से कैंसर होता है? कीटनाशक के आरोपों पर कंपनी ने बयान भी जारी किया है। MDH ने बयान जारी कर सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय मसाला ब्रांड MDH ने शनिवार को अपने मसालों में कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक होने के आरोपों को निराधार और असत्य बताया है। उन्होंने कहा कि इन आरोपों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है। MDH ने ग्राहकों को अपने सभी उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता के बारे में आश्वासन दिया है। बैन के बावजूद इन 6 देशों को प्याज भेजेगा भारत, सरकार ने इसलिए यह फैसला लिया। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने निर्यात पर प्रतिबंध के बावजूद भी 6 देशों को 99,150 टन प्याज भेजने की अनुमति दी है। सरकार ने 6 देशों बांग्लादेश, UAE, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। भारतीय वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ गई है। हवा से जमीन पर मार करने वाली Mark 2 मिसाइल बेड़े में शामिल हो गई है। अयोध्या से जुड़ी बड़ी खबर, गर्मी ने घटाई श्रद्धालुओं की संख्या। प्राण प्रतिष्ठा के समय 2 लाख का आंकड़ा चल रहा था, लेकिन अब श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1.5 से 2 लाख लोग रोजाना अयोध्या आ रहे थे, लेकिन अब ये संख्या 20 से 50 हजार के बीच रह गई है। वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है। कसौली 70, शिमला के 60% होटल बुक हो गए। 2024 बजाज पल्सर N160 डीलरशिप पर पहुंचना शुरू हो गई है। कई बड़े बदलावों के साथ ये जल्दी आपके बीच आ रही है। ID ब्लॉक करा एप्पल का ये बग, पासवर्ड रीसेट करने को मजबूर हो रहे हैं यूजर्स। एप्पल यूजर्स को एक परेशानी हो रही है। हाल ही में एक बग के कारण लोगों की एप्पल ID प्रभावित हो रही है और यूजर खुद ही अकाउंट से लॉक हो जाते हैं, है ना। और छत्तीसगढ़ से जुड़ी बड़ी खबर है, चिटफंड कंपनियों से पैसा वापसी। 7,000 कंपनियों ने राज्य के 26 लाख निवेशकों से 6,834 करोड़ की ठगी कर ली है। हरियाणा में पहली बार यूज होगा वोटर इन क्यू ऐप। 19 विधानसभाओं में इसका ट्रायल होगा। पोलिंग बूथ पर भीड़ की जानकारी मिलेगी। फिलहाल ये ट्रायल के रूप में देखा जाएगा और ये प्रयोग अगर सफल रहता तो इसी साल होने वाले विधानसभा चुनावों में सभी 90 विधानसभाओं में इसे लागू कर दिया जाएगा। इस ऐप का जो सबसे बड़ा लाभ होगा कि वोटरों को वोट डालने के लिए अधिक समय का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, भीड़ कम होते ही वोट डालने के लिए जा सकेंगे। UP बिहार समेत कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। देश में तेज गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए
है। शनिवार से ही अगले 5 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। अमेरिका में इजराइल विरोधी धरना दे रहे 550 छात्र गिरफ्तार किए गए। बीजेपी गूगल और यूट्यूब पर विज्ञापन के लिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली पहली भारतीय पॉलिटिकल पार्टी बन गई है। भाजपा ने गूगल यूट्यूब को 102 करोड़ के विज्ञापन दिए। 6 साल में पब्लिश पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट में बीजेपी के 73% सबसे ज्यादा कर्नाटक पर खर्च हुए। भारत आ रहे जहाज पर लाल सागर में मिसाइल अटैक हो गया। रूस से तेल लेकर आ रहा था, हूतियों ने हमले की जिम्मेदारी ली है। मई में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, 4 रविवार हैं, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन कामकाज नहीं हो पाएगा। यानी मई महीने में बैंकों में कुल 14 दिन कामकाज नहीं होगा। देश में कई वजहों से अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 4 रविवार आएंगे, 2 शनिवार भी रहेंगे। RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप इन छुट्टियों की डिटेल जानकारियां ले सकते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर है, रीवा में लकड़ी के परिवहन के लिए NTPS यानी नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम लागू कर दिया गया। रीवा में अब ऑनलाइन जारी होगी TP। बुरहानपुर बैतूल में ओले गिरे, छिंदवाड़ा में भी बारिश देखने को मिली है। खंडवा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की जाने चली गई। आज भी कई जगहों पर बारिश के आसार हैं। भोपाल में पहली बार ट्रांसजेंडर्स ने रैंप वॉक किया। अयोध्या में श्रद्धालुओं को मिलेगा स्पेशल प्रसाद, केसरिया पैकेट में पेड़ा, चरण पादुका, भगवान की फोटो, चंदन और सरयू जल भी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 20 दिन में शुरू हो जाएगी और ऐसे में समय का सदुपयोग करने के लिए केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के अन्य हिस्सों में 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया। इसमें विद्यार्थी 11वीं और 12वीं कक्षा के 11 सब्जेक्ट के 28 कोर्स की तैयारी कर पाएंगे और इसमें वे सभी स्टूडेंट एनरोल हो सकते हैं, जहां पर NCERT की ओर से तैयार कोर्स की बुक पढ़ाई जाती है। रजिस्ट्रेशन के लिए स्वयं पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, सरकार का पोर्टल है ना। और अब आगे जो दोस्तों हम आपको खबरें बता रहे हैं वो आपको बेहद ही हैरान कर देगी, चौंका देगी, दर्द भरी और अलर्ट करने वाली ये खबरें हैं। छोटी छोटी सी लापरवाही कब बहुत भारी पड़ जाती है, इसी को लेकर ये अलर्ट करेगी। कार में लॉक हो गया बच्चा और दम घुटने से जान चली गई। मेरठ में खेलते खेलते गाड़ी में बैठ गया था, 4 साल का ये बच्चा था और धूप में खड़ी कार के अंदर दम घुटने से बच्चे की जान चली गई। बच्चा खेलते खेलते कार के अंदर बैठ गया, दरवाजा लॉक हो गया और वो बाहर नहीं निकल पाया। तो सावधान रहिएगा, छोटे बच्चे लॉक वगैरह चाबी से खोल लेते हैं तो आप सावधान रहें, चाबी उनके हाथ में ना आने दें। इसके अलावा खेल खेल में मासूम की जान चली गई, झूले की रस्सी में गला दब गया। ये खबर हरियाणा से आ रही है, 7 साल की मासूम बच्ची खेलते खेलते पालने की रस्सी में उलझ गई और गर्दन दबने से उसकी जान चली गई। बात यही खत्म नहीं हो रही है, और भी कई सारे ऐसे अलर्ट है, लेकिन कुछ सिलेक्टेड अपडेट खबरें हम आपके लिए लाते हैं। ये खबर आ रही है पंजाब को लेकर, 1.25 साल के बच्चे की बाल्टी में डूबकर जान चली गई। पंजाब में अकेले बाथरूम गया, क्रेप कारोबारी परिवार ने ढूंढा था, सिर के बल वो गिरा हुआ मिला। पंजाब के रूपनगर में शनिवार को 1.25 साल के बच्चे की बाल्टी में डूबने से जान चली गई। बच्चा खेलते खेलते बाथरूम तक पहुंच गया था और जब परिवार के सदस्य उसे ढूंढने के लिए पहुंचे तब तक उसकी जान जा चुकी थी। मतलब दोस्तों जो हम खो चुके हैं उसे वापस प्राप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन अलर्ट जरूर रह सकते हैं। तो ऐसे मामलों में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं तो आप भी इस खबर के अपडेट को जरूर अपने दोस्तों और मित्रों, जान पहचान वालों तक जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन तक भी ऐसी अपडेट जानकारियां पहुंचे, वो भी अलर्ट रहे, है ना। और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान की 9 मैचों में 8वीं जीत, लखनऊ को 7 विकेट से हरा दिया। IPL 2024 से जुड़ा अपडेट। इसके अलावा झारखंड में 30 अप्रैल तक हीट वेव का येलो अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 10 जिलों में ओलावृष्टि की चेतावनी, ऊंचे इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। 30 अप्रैल तक मौसम खराब खराब सा बना रहेगा। वहीं कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, 8वें वेतन आयोग का सबको इंतजार, लेकिन क्या जल्दी खुशखबरी देगी सरकार। नया अपडेट आया, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर एसोसिएशन ने आयोग बनाने के लिए एक पत्र लिखा है जिसमें 8वें वेतन आयोग की स्थापना के संबंध में जानकारी दी गई है। उसमें कई सिफारिशें भी की गई है और अगर सरकार एसोसिएशन की सिफारिशें मान लेती है तो इसका सीधा सीधा सा फायदा वो सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को लेकर ये बड़ा अपडेट चल रहा है। वहीं उड़ीसा हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के दुरुपयोग के बारे में चिंता जताते हुए बड़ी टिप्पणी की है, कहा कि इस अधिनियम के तहत लोगों के खिलाफ कई झूठे मामले भी दर्ज किए जा रहे हैं। इंडोनेशिया के जकार्ता से 143 किलोमीटर दूर भूकंप के झटके, ये छोटा मोटा भूकंप नहीं, 6.2 इसकी तीव्रता रही। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से 143 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। उत्तराखंड से जुड़ी खबर जो हमने आपको कल भी बताई थी, अब 100 यूनिट बिजली का बिल 40 रुपए ज्यादा महंगा आएगा क्योंकि बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। बिजली की दरों पर आप एक नजर जरूर घुमा दीजिएगा। साथ ही बड़ी खबर है उत्तराखंड को लेकर ही, उद्योगों को अब हर 15 दिन में भरना होगा बिजली का बिल। उत्तराखंड में नियामक आयोग ने बिलिंग की अवधि को घटा दिया है, उद्योगों को अब हर 15 दिन में बिजली बिल भरना होगा। प्रदेश में 3 MVA और उससे अधिक अनुबंध मांग वाले उद्योगों को अब हर महीने के बजाय 15वें दिन बिजली का बिल मिलेगा। भाजपा सांसद रवि किशन को बड़ी राहत मिली है, कोर्ट ने खारिज की DNA टेस्ट की याचिका। टाटा टियागो इलेक्ट्रिक का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च के लिए तैयार,
बार सैमसंग गैलेक्सी S24 नए स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च हो गया। झारखंड में गर्मी को लेकर शिक्षा विभाग अलर्ट है। स्कूल में बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वाटर बेल बजेगी। सरकारी स्कूल के बच्चों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए घंटी बजाई जाएगी। इससे बच्चों को स्वच्छ पानी पीने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यूपी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब गोकशी करना मुमकिन नहीं है, इसके लिए सख्त कानून बनाए गए। अब गोमांस खाने की छूट नहीं दी जा सकती। अब अरबों साल नहीं, मिनटों में तैयार हो जाएगा हीरा। वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली क्रांतिकारी तकनीक। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने खास धातुओं को मिलाकर एक ऐसा लिक्विड बनाया जिससे 150 मिनट में हीरा बनाया जा सकता है, जो किसी असली हीरे की तरह ही दिखाई देगा। ये कम खर्चीला और पूरी प्रक्रिया में सिलिकॉन एक प्रमुख घटक है। बिहार में बिजली बिल बकायेदारों पर लगाम कसने के लिए विभाग की ओर से एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। अब घर घर में स्मार्ट मीटर लगेगा, इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। बैलेंस खत्म होने पर बिजली बंद हो जाएगी। हना और राजस्थान से जुड़ी खबर है। पेपर लीक की समस्या को खत्म करने के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जून में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में हाइब्रिड फॉर्मूले को अपनाने जा रहा है, जिसके तहत कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाए जाएंगे। हालांकि अभ्यर्थियों को आंसर देने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था ही की जाएगी, इस तरह का फिलहाल विचार है। और ये नया सिस्टम लागू करने की कवायद शुरू होने वाली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह फैसला लिया कि जो भी छोटी परीक्षा होगी उसे नए मॉडल पर कराया जाएगा, क्योंकि फिलहाल इतने बड़े संसाधन उपलब्ध नहीं है। अब व्यापारियों ने किसानों के खिलाफ खोला मोर्चा। चुनाव आयोग और चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब और आसपास के इलाकों में चल रहे किसानों के आंदोलन की वजह से अंबाला के व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस मामले का हल निकालने के लिए देश के चीफ जस्टिस और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। उत्तर प्रदेश में ई रिक्शा और ई ऑटो को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया। हाईकोर्ट ने आगरा और मथुरा में ई रिक्शा के पंजीकरण पर रोक लगाने की अधिसूचना को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ट्रैफिक अनियंत्रित होने के आधार पर ट्रांसपोर्ट अधिकारी को पंजीकरण पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है। वे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए यातायात प्रतिबंधित कर सकते हैं, पंजीकरण पर रोक नहीं लगा सकते। साथ ही बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड को लेकर। उत्तराखंड में सरकारी स्कूलों के कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के आधार बायोमेट्रिक को राज्य स्तर पर अभियान चलाकर अपडेट किया जाएगा। बायोमेट्रिक अपडेट न होने से नीट जेईई सीयूईटी परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे विद्यार्थियों के सामने मुश्किलें आ रही हैं। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी प्लीज बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी नए अपडेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।